दोस्त होंगे, घर में बैठे होंगे और अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, और एक अच्छे सोल्जर, एक अच्छे आर्मी एस्पिरेंट, एक अच्छे एयरफोर्स एस्पिरेंट और एक अच्छे नेवल एस्पिरेंट की तरह, ऑफिसर की तरह सोचते हुए घर से बाहर नहीं जा रहे होंगे, देश को कोरोना जैसे महामारी से लड़ने में मदद कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ओके, 1 मिनट का वेट करेंगे, फिर अपना सेशन आज का शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए। बच्चा आ जाइए, जिसको आना जल्दी आइए, जाइए आइए। चलिए, शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ, जिसको आना जल्दी आ जाओ, फिर शुरू करेंगे आज का अपना सेशन। तो सेशन शुरू होने से पहले ही 3 डिसलाइक, अरे वाह, मतलब हमारे को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आज पहले हम देखेंगे, जैसे जय गावली जी आज हमारे बीच हैं, जय गावली जी ने हमें सजेस्ट करा था कि सर आप हमें ये बताइए कि 15 OLQs क्या होते हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले आज हम 15 OLQs को डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम देखेंगे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चनेयर होता है उसको कैसे फिल करना है और वो कौन से दिन में फिल करना होता है, क्या उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, और क्या मेरा एक्सपीरियंस था मेरे 15 OLQs को लेके। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि कैसे आप SSB क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलतियां करी, और आप उन गलतियों को अगर नहीं करेंगे तो आप पक्का सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि मैं ना GTO हूँ, ना मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूँ, ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक आर्मी एस्पिरेंट था, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ एज एन एस्पिरेंट, ताकि मेरे जैसे जो बच्चे हैं वो गलतियां ना करें और अपना ड्रीम टू बिकम एन आर्म फोर्स ऑफिसर पूरा कर सके। तो आज ये सारे, आज ये आप सही से दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, मैं पूरा ठीक से दिखाई दे रहा हूँ, आप अपना नेट ठीक चेक कराइए। अमनदीप जी, हर रोज 8:10 पे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे को क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी 8:10। ओके, पीयूष कुमार सिंह, अगर आप 2 बार स्क्रीन आउट हो गए तो मैं आपको बता दो, तीसरे टाइम पक्का स्क्रीन इन होंगे, अगर आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे और मेरी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अगर आप अपने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लिख के बताना है, मेरी ईमेल आईडी पे मेरे का एक्सपीरियंस लिख के भेजना है अपना। ओके, और देखिए बच्चों, मैं आज आपके PPDT की पिक्चर इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने ठीक से उस पर जवाब नहीं दिया मेरे को। अंशुल शर्मा, मेरे को मिस्टर रिजवान, और एक और बच्चा है, सॉरी, मेरे को आकाश शर्मा, मिस्टर अंसारी और एक और बच्चा है जिनका मेरे को स्टोरी आई है, तो मैंने उन तीनों की स्टोरी बहुत अच्छे से रिव्यू करी है, बस आपको वैसी स्टोरी लिखनी है। ओके, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपको एक एक PPDT की स्टोरी भी हर दिन मिला करेगी, आज इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि सबने उसे अटेम्प्ट नहीं करा। हाँ जी, हम करवाते हैं CDS की एक्सपिरेशन प्रिपरेशन करवाते हैं, उसकी क्लासेस वाईफाई से डिफेंस चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। स्टार्ट करते हैं, दिस इज माय XXB एक्सपीरियंस। मैं पहले ही बता दूं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं आपका ड्रीम रियलाइज करने में, कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके कि मेरे को कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे मैंने SSB जैसे टफ टेस्ट को क्रॉस करा था अपने एक्सपीरियंस से बिना किसी कोचिंग के। यस यस यस, ठीक है आकाश शर्मा जी, मैंने नीचे रिव्यू करा है अगर आपने देखा हो तो, मेरा SSB जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। मैंने जो चीजें करी वो मैंने आपको कल बताई, मैंने बताया कि आपको Day 1 पे आपको स्टेशन पहुंचते कैसे आपको ये सोचना है कि हाँ मेरा SSB का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, स्टेशन पे पहुंचते ही आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे वहां पे बातचीत बढ़ानी है, आपको जो PPDT और नॉन वर्बल रीजनिंग होता है उसमें क्या प्रिपरेशन ट्रिक्स होनी चाहिए, आपको स्टोरी के टाइम पे क्या ऐसा करना है कि आप अटेंशन बन जाए, सबका अटेंशन आप पे हो, वो सारी चीजें मैंने आपको आपके Day 2 के लेक्चर में बताई है। पहले अगर आप ये डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो पहले आपको सजेस्ट करूंगा पहले Day 2 का सेशन देखें, उससे पहले आप Day 1 का सेशन देखें जरूर जाके। ठीक है, एक मोटिवेशनल थॉट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आई एम सन टू टू मदर्स, वन बॉर्न मी एंड द अदर माई कंट्री।
शी मेड मी द मैन दैट आई एम. हिंदी में बताऊंगा, मैं दो माओ का बच्चा हूं, एक जिसने मेरे को जन्म दिया और एक मेरी भारत माता, एक मेरी कर्म भूमि, क्योंकि मेरी कर्म भूमि ने ही मेरे को इंसान, एक इंसान से एक आदमी बनाया है, एक इंसान से एक आदमी बनाया है. ये एक फौजी ने कहा है. कितना बड़ी बात कही है. मैं ये कोई आपको ये नहीं कह रहा अरे इसको करके मैं आपको भावुक कर दूंगा, इमोशनल करके लाइक डिसलाइक सब बैठ ले लूंगा, नहीं. ये एक आपका डिफेंस का सेशन है, तो इसमें डिफेंस के बच्चों की तरह आप में जोश होना चाहिए. कभी भी जोश कम नहीं होना चाहिए. आपको ये सोचना है कि हाँ मेरे को करना क्या है, मेरे को करना क्या है और कैसे करना है, आपको ये सोचना है. और एक डिफेंस का बच्चा अलग से दिखता है. ही सीन टोटली डिफरेंटली इन द क्राउड, ही स्टैंड्स आउट इन द क्राउड. वो भीड़ का हिस्सा नहीं, वो भीड़ अपने अराउंड जमा करवाता है. कैसे? उसका एक तेज होता है, ही हैज अ ग्लो ऑन हिज फेस, जो उसका देश प्रेम और एक पेट्रियोटिज्म और एक राइट एटीट्यूड के साथ आता है. ओके, तो इसी का शुरू करते हैं. बाकी मैं बता दूं, अगर आप कोई भी अन्य डिफेंस की क्लास के बारे में ढूंढ रहे हैं, अन्य CDS, AFCAD, DRDO, MTS, NDA, Air Force Action Y Group, किसी भी CAPF की क्लास, तो आपका एक स्टॉप, वन स्टॉप डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए आपकी, सभी डिफेंस क्लासेस के लिए वाईफाई सीरीज डिफेंस एग्जाम चैनल. आज ही से सब्सक्राइब करें और अपने ड्रीम को पूरा करने में एक स्टेप आगे ले. और स्टेप क्या है? वाईफाई सीरीज डिफेंस एग्जाम चैनल के साथ जुड़ना. हम पहले 15 OLQs डिस्कस करेंगे. ऑल थैंक्स टू जय गावली जी. अगर जय गावली जी मेरे को सुन रहे हैं तो जय गावली जी आपको एक सल्यूट और एक आपको बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे को एक ऐसे टॉपिक से रूबरू करवाया जो सबको पता होना जरूरी है. कल मैंने एक OLQ डिस्कस करा था, वो क्या था? इफेक्टिव इंटेलिजेंस. इफेक्टिव इंटेलिजेंस का OLQ मैंने डिस्कस करा था. आज हम बाकी के जो OLQs है वो डिस्कस करेंगे. मैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस स्किप करूंगा क्योंकि वो मैं कल कर चुका हूं. अगर किसी को वो वाला OLQ देखना है तो उसको क्या करना है, कल का लेक्चर जाके देखना है. और अगर वो ये जानना चाहते कि OLQ होता क्या है, उसको फर्स्ट डे का लेक्चर जाके देखना है. जय गावली जी, अगेन अ वेरी बिग थैंक यू टू यू. ओके, देखिए पहला क्या होता है आपका, फैक्टर वन माइंड, फैक्टर टू हार्ट, फैक्टर थ्री गट्स और फैक्टर फोर लिम्स. फैक्टर वन में हमने इफेक्टिव इंटेलिजेंस कर लिया था. बाकी रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है, मैं जरा कमेंट देख लूं. रीजनिंग एबिलिटी होती है आपकी, कुछ सिचुएशन है, कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं. जैसे मान लीजिए आप अपने ग्रुप के साथ एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पे आपके पास ना कोई टूल है बाहर जाने के, ना आपके पास ये कोई चीज मतलब साधन है कि आप उस जगह से निकल सके, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी रीजनिंग एबिलिटी का यूज करेंगे. कैसे? आप मून की डायरेक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन सी ईस्ट या वेस्ट है. आप ढलते सूरज की डायरेक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि कहाँ ईस्ट या वेस्ट है. आप ट्री का होता है ना ट्रंक, आप उसको देख के बता सकते हैं कि हाँ कहाँ आपका कितने पुराना है, कितना क्या है, कहाँ हाईवे है. आप ट्री के बाग से सुन के पता लगा सकते हैं कि हाँ हाईवे कितनी दूर होगा, क्योंकि ट्री के बाग में आपको वाइब्रेशन होती है और आपको रिवर्बरेशन के थ्रू ये पता चल जाएगा कि हाँ नियरेस्ट हॉन्किंग कॉल ही है, कार कहां से जा रही है और हाईवे कहां से, आप पता लगा सकते हैं. तो ये सब चीज आपको रीजनिंग एबिलिटी ही सिखाता है कि कोई भी सिचुएशन हो हमें एक ऐसा माइंड फ्रेम अपना बनाना है कि हम हर सिचुएशन से निकलने के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह इस्तेमाल कर सके और हम सिचुएशन से डरे नहीं, हम सिचुएशन से लड़े. ये आपका दूसरा OLQ होता है. दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से बहुत सिंपल सा मतलब है, आपको किसी भी एक इवेंट को, एक प्रोसेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि आप पे बिल्कुल स्ट्रेस ना आए, आपका जो प्रोसेस है ऑन टाइम हो जाए. और दूसरा जो आपका प्रोसेस है उसमें आपके जो टीम मेट्स है उन पे भी आप अलग से दौर जबरदस्ती ना करें. और तीसरा और लास्ट सॉरी चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, आप टाइम रहते हुए अपनी चीजें कंप्लीट करके उसको एंजॉय कर सकें. मान लीजिए आप एक कॉलेज में या स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक टीम बनाएंगे जो आपकी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हेल्प करने में आपकी मदद करेंगे. आप ड्यूटीज असाइन करेंगे कि हाँ आपको ये करना है. जैसे मान लीजिए मेरी टीम में जय गावली, कुशाग्र सामवार, नितिन सेठ और कोई एक बच्चा आकाश शर्मा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें कहूंगा कुशाग्र आपकी ड्यूटी है कि आप टीम छुआएंगे, उनको रजिस्टर करवाएंगे. मैंने एक टास्क बांट दिया. दूसरा मैं कहूंगा जय गावली जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज होगा आप उसे ऑन हैंड तैयार रखेंगे कि कोई भी कहीं भी कुछ भी मांग ले हम उसको देने के लिए तैयार हो. फिर मैं कहूंगा नितिन सेठ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप सारी रिफ्रेशमेंट्स का ध्यान रखेंगे. चौथा आकाश शर्मा को मैं कहूंगा कि आपको जो प्लेइंग एरेना है, जो प्लेइंग एरियाज है, उनकी देखरेख आपकी है कि कोई भी वहां पे कोई भी ऊंच नीच ना हो. फिर ये लोग उतने अंदर सब कमिटीज बना लेंगे,
उसके अंदर दो या तीन मेंबर्स होंगे प्लस मैं उनको मैनेज करूंगा। तो ये क्या होता है, एक लीडर की निशानी। आपने इतने एफिशिएंटली अपने रोल्स दूसरों में डिवाइड करवा दिए कि आप पे स्ट्रेस नहीं आया, ना आपकी टीम वालों पे स्ट्रेस आया, और आपने मोटिवेशन के थ्रू उनको एक अच्छे से करा। बिकॉज आपको पता होगा देयर इज नो आई इन टीम, आई नहीं होता टीम में, देयर इज नो आई इन टीम, देयर इज वी इन टीम। एक बॉस होता है वो जो कहेगा आई नीड दिस जॉब डन बाय टुमारो, एक लीडर होगा वो जो कहेगा वी विल डू दिस जॉब टुगेदर बाय टुमारो। डिफरेंस है, बॉस आप पे थोपता है आदेश, लीडर आपके साथ वो चीज करता है और आपको सिखाता है कि हाँ कैसे करना है। बॉस कहता है डू इट, लीडर कहता है लेट्स डू इट, समझे? बॉस कहेगा डू इट, लीडर कहेगा लेट्स डू इट। तो आपको लीडर बनना है और आपको अपनी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को दिखाना है। पावर ऑफ एफिशिएशन क्या होता है, ये हमने कर लिया, हमने इफेक्टिव इंटेलिजेंस को कल ही कर लिया था। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर एफिशिएशन, आपके बोलने में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि आप लोगों को इंस्पायर कर दें। आज मैंने एक सेशन लिया था विक्रम बत्रा के ऊपर, मैंने उसमें यह बताया कि विक्रम बत्रा ने इतना अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन यूज करा कि पाकिस्तानी के जो इंट्रूडर्स थे वो हेवीली आर्म्ड थे, उनके पास पूरे लैस थे बंदूक असला बारूद सब चीजों से, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका पावर मतलब एक्सप्रेशन इतना अच्छा था, जो उनके साथ के सोल्जर्स थे उन्होंने उनको इस तरीके से मोटिवेट करा, इंस्पायर करा कि निहत्ते होने के बावजूद, मतलब अनआर्म्ड होने के बावजूद भी दे कुड किल ऑलमोस्ट 19 सोल्जर्स इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। विक्रम बत्रा ने खुद 5 सोल्जर्स को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मारा। जब वो ग्रेवली इंजर्ड हो गए, मतलब बुरी तरह घायल हो गए, जख्मी हो गए, फिर भी वो रेंगते हुए गए, हैंड ग्रेनेड फेंका, 4 और सैनिकों को मारा और फिर देश के लिए शहीद हो गए। तो ये आपका होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन कि आप एक मुर्दे में भी जान फूंक दें, आप एक पत्थर को भी फौजी बना दें, ये होता है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये भी ये लोग देखते हैं। और ये कैसा आएगा, जब आप एक अच्छे स्पीकर नहीं, आप दिल से बोलेंगे, अपने दिमाग से नहीं, आप दिल से बोलेंगे। क्योंकि जब आप दिमाग से बोलते हैं तब आप चीजें फेक करने लग जाते हैं और वो फेकनेस चुटकी बजाती है पहचानने की कि बंदा फेक है। आपको फेकनेस नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको करना है अपने दिल और दिमाग पे काबू, आपको करना है दिल और दिमाग पे काबू, आपको सच बोलना है। कोई कमी है तो उसे ओवरकम करना है बाय लुकिंग एट अ पॉजिटिव साइड, कोई वीकनेस है तो उसे दूर करना है बाय वर्किंग ऑन अ वीक साइड, ताकत है तो उसको ताकत को और मजबूत बनाओ, कमजोरी है तो उसे कमजोरी को बिल्कुल ही हटा दो। तो होता है क्या आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसी का तुम्हारा फैक्टर 1 होता है माइंड, खत्म। आपको पूछना चाहते हैं तो प्लीज बताइए, आप बताइए, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? आप बताइए, आप कुछ और देखना चाहते हैं? हाँ जी आकाश शर्मा जी, आज मैं PIQ भी बताने वाला हूँ। बताइए बताइए क्या हो गया। अरे विक्रम बत्रा के ऊपर कोई सेशन नहीं है, हमने एक अच्छे वाईफाई सिटी डिफेंस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर लिया 2:30 PM इन द आफ्टरनून। उसमें आई विल बी ब्रिंगिंग अ सेशन ऑन रियल लाइफ हीरोज, रियल लाइफ हीरोज के ऊपर मैं आपके लिए एक सेशन लेके आ रहा हूँ, रियल लाइफ हीरोज, आप उसको देखिए जरूर, आपको बहुत मजा आएगा कि हमारे जो असली के हीरोज हैं, फिल्म स्टार फिल्म स्टार नहीं, उसके ऊपर। अब बताइए आप कोई और मेरे से डाउट पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अपने अगले फैक्टर हार्ट की तरफ चले। ऊपर में देखो आप में क्या पूछा है, हाँ जी रिजवान जी OIR के बाद भी कर देते हैं। हाउ टू मोटिवेट एवरी टाइम, देश के बारे में सोचकर अपना बेस्ट देने का ख्याल रख के। मेरा नाम है प्रणव दत्ता, मेरा नाम है प्रणव दत्ता। अनु सिंह जी मैं दिल्ली से हूं और मैं एजुकेटर हूं आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए। कीर्ति मुंबई कर व्लॉग जी, दैट आई डोंट नो व्हेन द लॉकडाउन विल फिनिश, इट्स लाइक कह तो ये रहे कि 3 May को खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लॉकडाउन की दिक्कत नहीं ले रहे। We are not discussing lockdowns, we are discussing future of the country. And that is, I am trying to motivate the future of the country to serve in the armed forces. Okay? So, I'll request you not to ask us absurd question in a class that is so serious. Vicky Monda ji, class ka time aapka 8:10 PM hai Monday to Friday. 8:10 aapka Monday to Friday.
हाँ जी सुभाष ठाकुर जी, एवरी आर्म फोर्स की एसएसबी ऐसी ही होती है, बस एयर फोर्स की एसएसबी को हम एएफएसबी बोलते हैं, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, बाकी सबकी ऐसी ही होती है। और किसी को कोई डाउट तो मेरे से पूछ सकता है। चलिए आगे चलते, किसी को कोई डाउट है नहीं, सब बातें करने में व्यस्त है। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सुन रहा है मेरे को ध्यान से। सर एयर फोर्सेस के बारे में बताओ। अच्छा ठीक है, चार से पांच टाइम हो गया, डे कंप्लीट नहीं हो रहा है। अरे राजाराम वर्मा जी, बिकॉज डे वन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो उसको अगर मैं एक साथ समझा दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगा। आपका नेक्स्ट सेशन मनोज कुमार पांडे के ऊपर ही होगा। यस आई एम रूड कीर्ति मुंबईकर ब्लॉग जी, आई एम रूड बिकॉज दिस इज नॉट अ प्लेस टू आस्क मी सच क्वेश्चंस कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर एसएसबी एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट स्पॉइल अदर्स एक्सपीरियंस फॉर योर ओन गुड। ओके एक इन द सानी जी, यू आर अ सर्विंग पर्सन, सैल्यूट टू यू। डिफरेंस बिटवीन एएफएसबी एंड एसएसबी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एएफएसबी सिर्फ एयरफोर्स के लिए होता है, एएफएसबी सिर्फ एयरफोर्स के लिए होगा। और ये सिर्फ एफकार्ट वालों के एंट्री के लिए होता है, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी एसएसबी आपका और सारी एंट्रीज के लिए होता है, लाइक योर सीडीएस, एनडीए, ओटीए, आईएमए, ये जो सारी एंट्रीज होती है, एसएससी, टीएस, यूईएस, टीजीसी, ये जो सारी एंट्रीज होती है, जेजी, उसके लिए आपका एसएसबी होता है। ये आपका मेन डिफरेंस है। सर सीडीएस के ओटीए का भी यही प्रोसीजर? हाँ जी, आप क्या करेंगे, आपने अगर क्लियर कर लिया है अपना रिटन पेपर तो आपका एसएसबी होगा, सेम प्रोसेस पे होगा। हाँ जी आपका पीपीटी बहुत स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, आज आपको स्टोरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि होगा क्या, क्योंकि आप सबने स्टोरी अटेम्प्ट नहीं करी। आई वॉन्ट सब अच्छे से स्टोरी अटेम्प्ट करिए। कुशागर सांभाल जी, यस एएफएसबी के सेंटर थोड़े अलग अलग होते हैं, एक तो आपका देहरादून में भी है, एक आपका एएफएसबी का सेंटर, इट्स ऑल्सो इन देहरादून। जैन सर प्लीज टेल मी स्क्रीनिंग कैसे हो, स्क्रीनिंग कैसे होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप वो मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ। आपको पीपीटी की प्रैक्टिस हर दिन करनी है। कल आप मेरी वीडियो देखिए, उस पर जाके आप जो मैंने स्टोरी दिखाई है उसको लिखिए, आज के कमेंट्स में, कल के सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर हम मंडे ऑनवर्ड्स में आपको एक एक स्टोरी हर दिन दूंगा, आपको वो करना है। और डिस्कशन की प्रैक्टिस, आपको बोलने की प्रैक्टिस, आपको मिरर के सामने मिरर प्रैक्टिस होके करनी है। मैं अपना बताता हूँ क्या करना है, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं एक मिरर के सामने जाता था और मैं मिरर के सामने स्टोरी बोलने की प्रैक्टिस करता था। कोई फंबल होना, ऐसे जीभ लटक जाना, गला सूख जाना, कैसे आपको कम टाइम में अच्छे से आर्टिकुलेट करना है, कैसे साउंड की वाइब्रेशन ऐसे जाएगी, जैसे 15 OLQs आज डिमांडेड बाय जय गावली, जैसे आपकी वॉइस में एक यू नो एक अच्छा सा कमांड लगे, वो आपको मिरर के सामने होगा। आकाश शर्मा जी, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक काम करूंगा। अच्छा आपको सबको एक काम करना है, अगर आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन है तो पीआईक्यू फॉर्म आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसको फिल करने की प्रैक्टिस करनी है। तो आकाश शर्मा जी आज आप पीआईक्यू फॉर्म भरने की प्रैक्टिस करिए, आज आप पीआईक्यू फॉर्म भरने की प्रैक्टिस करिए। नॉलेज ग्रुप में आज आप डीआरडीओ का क्लास क्यों नहीं लिया होगा, वो आने वालों का थोड़ी देर में। हाँ जी, अगर आप पायलट लाइन में जा रहे हैं तो आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मेरे को पायलट लाइन में ही जाना था क्योंकि मेरी आई साइट में हल्की सी प्रॉब्लम है, इससे मैंने पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया, लेकिन मेरा प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम आगे चलते हैं, अब आते हैं अपने फैक्टर पे। फैक्टर टू क्या होता है आपका, हार्ट। फैक्टर टू क्या होता है आपका, हार्ट। हार्ट का होता है पहले आपको सोशल अडैप्टेबिलिटी, कॉपरेशन और आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सोशल अडैप्टेबिलिटी क्या होता है कि आपको सोशली आपका जो अराउंड की सराउंडिंग है उससे आपको अडैप्ट करना है। मान लीजिए मैं अपने टीम को लेकर जा रहा हूं और एक ऐसा गांव हो जाता है जहां पे आपके यू नो लाइट कम है, बिजली कम आती है, ठीक है, और आपके मतलब जो और फैसिलिटीज है वो अच्छी नहीं है, नेट नहीं आता, तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा एज एन ऑफिसर, आई विल अडैप्ट टू द सोशल एनवायरमेंट अराउंड मी। मैं लोगों से मतलब बातचीत करूंगा, घुलूंगा मिलूंगा और उन्हें ये फील होने दूंगा कि उनके पास कुछ कम ज्यादा है, मैं अपने आप को उनमें ढाल लूंगा, मैं अपने आप को उनमें ढाल लूंगा और उन जैसा बन जाऊंगा ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम आए। और एक सोल्जर नेवर कंप्लेंस, सोल्जर नेवर क्विट्स, ही ऑलवेज अडैप्ट टू द सिचुएशन अराउंड हिम। देखते हो ना आप, सोल्जर्स कहीं पे भी सो जाएंगे, कहीं पे भी उठ जाएंगे, कहीं किसी से भी बात कर लेंगे, कहीं पे भी रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी खा लेंगे क्योंकि वो सोशली अडैप्ट करना जानते हैं, वो अपने आप को कुछ सुपीरियर नहीं मानते। उनके होता है जैसा रूप
वैसा देश, मतलब जैसा देश वैसा रूप, जो हाल उसमें वो ढल जाते हैं। ठीक है, ये होता है क्या आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी, समझ में आ गया सर? दोज हैविंग नॉक नीज, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आप अपने नीज के बीच में पिलो रख के सोइए थोड़े दिन, पिलो को प्रेस करने की कोशिश करिए तो आपका शायद से ठीक हो जाए। वरना आप ये कर सकते हैं कि आप नॉक नीज के लिए भी और एक्सरसाइजेस होते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। वरना मेरे को ये डर लग गया था एक बार मेरे नॉक नीज से, तो मैंने क्या करा था, आई केप्ट अ पिलो बिटवीन माई नीज और मैं उसको पिलो को प्रेस करके सोता था। अडाप्टेबिलिटी इन एनी सिचुएशन, यस अडाप्टेबिलिटी करनी है। अगला कहता है सर मेरे आई में थोड़ा पावर है, ग्लास भी लगे हुए हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम? रिजवान अंसारी जी, आपको ये देखना है कि क्या आपके विदाउट स्पेक्स आप 3 मीटर तक रेड ग्रीन एंड ब्लू आपका प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, 3 मीटर तक आप 3 मीटर तक प्राइमरी कलर्स होते हैं, आप उन्हें क्या ठीक से देख सकते हैं विदाउट स्पेक्स? आपको ये देखना है प्राइमरी कलर्स होते हैं ना आपके रेड ग्रीन एंड RGB होता है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो आपको ये देखना है कि आप 3 मीटर तक के प्राइमरी कलर्स देख सकते हैं विदाउट स्पेक्स। अगर हाँ तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप स्पेक्स पहन सकते हैं, नहीं तो आई सजेस्ट कि आप लेसिक का ऑपरेशन करवा के अपनी आईसाइट ठीक करवा लीजिए। नो, कुशागर सांबाल जी, आई वंस गेव द AFCAT, आई क्लियर इट एंड देन आई वेंट फॉर द AFSB ऑल्सो, आई ऑल्सो वेंट फॉर दी AFSB, तो मैंने कभी भी पायलट का पेपर नहीं दिया, तो मेरे को पायलट का कोई आइडिया नहीं, और ना मैं यहाँ पे पायलट का कभी डिस्कस करने वाला हूं। हाँ जी, ओके, गुड। तो फिर रिजवान अंसारी, कॉपरेशन, आपको अपनी टीम के साथ कॉपरेट करना है, ठीक है, आपको अपनी टीम के साथ कॉपरेट करना है। मान लीजिए एक पर्सन है जिसको इंजरी हो गया, आप कोई मिशन पे जा रहे हैं, आपका एक कोई सोल्जर है, आपका एक टीममेट है, उसकी इंजरी हो गई, तो आप उसको पीछे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? सोल्जर नेवर लीव्स हिज टीममेट बिहाइंड। एक आर्मी पर्सन, एक आर्म फोर्सेस ऑफिसर अपने साथी को कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। कैसी भी सिचुएशन हो आपको कॉपरेट करना है और आपको अडाप्ट करना है। क्या करेंगे आप, उसकी हेल्प करेंगे चलने में, आप उसको भले ही आपको कंधे पर उठाना पड़े आप लेके चलेंगे। तो एक होता है आपका कॉपरेशन, आपको कॉपरेट करना है अपनी टीम के साथ और अपनी टीम को एकजुट लेकर चलना है, बिकॉज सोल्जर नेवर लीव्स हिज टीममेट बिहाइंड, सोल्जर नेवर क्विट्स, सोल्जर ऑलवेज अडैप्ट्स। तो ये भी आपकी क्या होती है, कॉपरेशन, और वो देखते हैं कि क्या आपके दिल में अपने टीममेट्स के प्रति सहानुभूति है, क्या आपके दिल में अपने टीममेट्स के लिए प्यार है, क्या आप मुश्किल सिचुएशन अपने अपने आप को डेंजर में डाल के क्या अपने टीममेट्स को बचाएंगे। ये भी आपका एक OLQ होता है कि अपनी जान की बाजी लगा के क्या आप अपने टीममेट्स को बचाएंगे, ये भी एक OLQ होता है और ये भी बहुत जरूरी होता है देखना और समझना, इसको भी समझिए। ओके, पीयूष कुमार सिंह, गुड। पूजा पाटवा जी पूछे सर मेरे SSB डेट आई हुई है भोपाल में 13। पूजा सर पाटवा जी, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, पोस्टपोन होगा नहीं, आई थिंक हो भी सकता नहीं भी, लेकिन आप इस प्रॉब्लम से जूझे मत, आप ये सोच के चलिए कि आपका उसी डेट में SSB है, तो आप पूरी तैयारी के साथ लग जाइए। ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी उस SSB में करने के लिए। जो मैंने आपको 3 लेक्चर्स में बताऊंगा उसे आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से आप एटलीस्ट क्लीन आउट होकर तो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने अगर एक गलती नहीं करी तो मैं चाहूंगा आप भी गलती ना करें, मेरे से एक स्टेप आगे बढ़ के कमीशन ऑफिसर सारे बने। अगला होता है आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको अगर टीम का लीडर बनाया गया तो आपके पास लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप अगर टीम का हिस्सा है एज अ नॉर्मल ऑफिसर या पार्टिसिपेंट, तो आपके पार्टिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य से भागना नहीं है उसका पालन करना है। आपको अपने जो कर्तव्य ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भागना नहीं है, उसका पालन करना है, और उसका पालन इस तरह करना है कि आपके दिखे कि हाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं, आप उन्हें फुलफिल करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अच्छा आपको एक्सपीरियंस भेजना, ठीक है, मैं अपनी email ID बता देता हूँ। प्रणव दत्ता 1402@gmail.com। अब देखिए आज के लिए हम सिर्फ इन 7 OLQs को पढ़ेंगे। ओके, मैं चाहता हूं आप देखिए, मैं रश करना नहीं चाहता कोई भी चीजें, क्योंकि OLQ समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आप इन पहले 7 OLQs के बारे में जो भी मैंने आपको चीज बताई है वो उसे समझिए,
उसे अच्छे से परखे और सोचिए कि हाँ मेरे में अगर क्या कुछ कमी है तो मैं उसे कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। इनके बारे में आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि टेल मी, आपका जैसे मान लीजिए आपका SSB का क्या कहते हैं कि कोई एक प्रोसेस हो रहा है, आपका GT हो रहा है, या आपका क्या हो रहा है कि यू हैव योर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू प्रोसेस हो रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि टेल मी योर स्टोरी इन विच योर सोशल अडैप्टेबिलिटी, योर कोऑपरेशन एंड योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियरली विजिबल। आप एक मेरे को ऐसी कहानी बताइए जिसमें आपको दिखा सकें कि हाँ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कोऑपरेशन और आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से दिखती है। स्टार्टिंग से मानसू पात्र जी पॉसिबल नहीं होगा, बहुत बोलना पड़ता है। आप इस वीडियो को ये रुकने के बाद फिर से देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको इन स्टोरीज को सोच के रखना है कि हाँ क्या मैं ऐसी स्टोरी बताऊं जिसमें मेरी सोशल अडैप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। तो जिन लोगों का ये था कि हाँ सर आपने स्टोरी दी, यही आपका आज का टारगेट है और आपका होमवर्क है। जिन्होंने कल का PPTT अटेम्प्ट नहीं करा वो उस वीडियो में जाएंगे, उस PPTT को देखेंगे और मेरे को बताएंगे कि हाँ उन्होंने क्या स्टोरी लिखी। मैंने कल का आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया था कि कैसे आपको PPTT लिखनी है, मैं आपको अपनी स्टोरी भी बता दूंगा क्या है एंड में। लेकिन आपको आज का क्या वो है, आपको आज बताना है कि यू हैव टू टेल मी अ स्टोरी इन विच योर फैक्टर 2 हार्ट इज क्लियरली विजिबल। आपका जो फैक्टर 2 है हार्ट, वो पूरी तरीके से दिखता है मेरे को। आपको ऐसी एक स्टोरी लिख के मेरे को बतानी है जिसमें आप मेरे को सोशल अडैप्टेबिलिटी दिखाएंगे, कोऑपरेशन दिखाएंगे और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे। और हाँ एक और चीज, जो बच्चे कहते हैं सर कि इंग्लिश क्यों जरूरी है, इंग्लिश क्यों जरूरी है, देखिए मैंने क्या बताया, एक OLQ, इससे अच्छा जवाब मेरे ख्याल से आपको कोई ये नहीं दे पाएगा कि हाँ इंग्लिश क्यों जरूरी है। आपका पहला फैक्टर क्या होता है, आपका सोशल अडैप्टेबिलिटी, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक कंट्री में मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए गए, आप एक कंट्री में मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए गए, आप रशिया में चले गए, तो आप वहां हिंदी बोल के तो कॉम्युनिकेट कर नहीं सकते। तो इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपका जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कम करके आपको बातचीत करने में मदद करती है। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक आर्मी एक आपका इंटरनेशनल जॉब है, आर्मी एक आपके इंटरनेशनल जॉब है, आपको सिर्फ देश में नहीं आपको विदेश भी भेजा जा सकता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस में पार्ट लेने के लिए, कहीं पे मिशन पे भेजा जा सकता है, पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट बना के भेजा जा सकता है। तो इसलिए आपको सोशल अडैप्टेबिलिटी आनी चाहिए कि मैं कैसे दूसरे कंट्री में जाके अपने आप को अडाप्ट कर पाऊं और लोगों से बातचीत कर पाऊं, तो उसके लिए इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है और इंग्लिश की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, करना कुछ नहीं है, मेरे को भी नहीं आती थी, किसी को नहीं आती। मैं क्या करता था, मैं एक किताब लेता था और उस किताब को मेरे के सामने खड़े होकर तेज तेज पढ़ता था। मेरे मम्मी पापा कुछ बोले, मेरे पड़ोसी कुछ बोले, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, मैंने तेज तेज बोलना शुरू करा, तो इससे मेरे कॉन्फिडेंस आया, मेरी वोकैबुलरी, मेरा जो शब्द कोश है वो इंप्रूव हुआ, मेरे को कॉन्फिडेंस आया अपने में कि हाँ मैं इंग्लिश बिन अटके बिन कुछ शर्म के बोल सकता हूँ। मैंने दोस्तों से इंग्लिश में बात करनी शुरू करी, मेरे पे बड़ा आशय कि अरे यार ग्रामर ठीक नहीं है, और वही दोस्त हैं आज जो मेरे से पूछते हैं कि प्रणव हाउ इज आवर इंग्लिश सो गुड, हाउ कैन यू कन्वर्स सो वेल इन इंग्लिश। और मेरा सीक्रेट क्या है, मैंने तब तुम्हारी हंसी पे नहीं हंसा, मैंने तब तुम्हारी हंसी पे अपना दिल नहीं दुखाया, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं आज लगे रहूं तो मैं इंग्लिश अच्छे से बोल पाऊंगा, और अगर आज मैं निराश होकर तुम्हारी हंसी से हार जाऊं तो मैं कभी जिंदगी में इंग्लिश बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। मेरे दोस्त मेरे पे हंसे, आज भी कहते हैं यार अगर तूने बहुत सही करा, तो अगर उस टाइम हार जाता तो आज चाहे तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। लेट मी टेल यू, जस्ट फॉर पास्ट टाइम I gave 7 interviews in the call centers and on all 7 interviews I was selected as an accent trainer. जिस बच्ची को इंग्लिश बोलना नहीं आता था उनको ये कहा गया था कि यू मस्ट टीच एक्सेंट, आप लोगों को एक्सेंट सिखाइए, आप एक्सेंट ट्रेनर बन जाइए, आप लोगों को UK की एक्सेंट सिखाइए, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सिखाइए, US एक्सेंट सिखाइए। सो दैट इज माई सक्सेस स्टोरी जिससे मैं इंग्लिश बोल पाया। तो आपको भी स्टोरी बोलनी है। रिजवान सानी जी आपको PPTT नहीं लिखनी, आपको फैक्टर 2 हार्ट के ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, आपको फैक्टर 2 हार्ट के ऊपर स्टोरी लिखनी है। सर प्लीज 5 डे कंप्लीट SSB। अरे हमें कैशा जी पक्का कंप्लीट होगी आपकी इस पे, और हम हिमांशु पात्रा जी बहुत मुश्किल हो जाएगा अर्नेस रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस लेक्चर के बाद प्लीज इसको देख लेना, क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, फिर हमारे पास टाइम की बहुत स्केयरसिटी होती है और भी लेक्चर्स होते हैं। तो मैं इसके बाद आप मैं कहूंगा कि आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए इसे और उसको फिर आप बाद में देख ले रहा, ओके। सो प्लीज इंग्लिश बोलना सीखे, ये 2 OLQs हम बाद में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल हैपन ऑन मंडे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि OLQ को समझाने के चक्कर में मैं आपको एक कंफ्यूजन में डाल दूं। आपको मेरे को फैक्टर 2
जिससे मेरे को पूरा अच्छे से देखे, आपको ऐसी स्टोरी मेरे को लिख के बतानी है फैक्टर टू के ऊपर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? यस संतोष तिवारी एनडीए ऑफिसर, आपको पक्का ट्राई करना चाहिए। हाँ अब हमारे को क्या पढ़ना है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है वो क्या है आपका पीआईक्यू फॉर्म। पीआईक्यू फॉर्म क्या होता है, पीआईक्यू फॉर्म क्या होता है आप मेरे को बताइए। पीआईक्यू फॉर्म होता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर फॉर्म। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिससे ऑफिसर जो इंटरव्यू लेगा वो आपके बारे में कुछ चीजें पता लगा सकता है बिना आपसे मिले। स्टोरी का नरेशन कैसे हो प्रदीप सैनी जी? अच्छा मैं अभी जब करूंगा ना, मैं जब एंड करूंगा तो मैं आपको एक स्टोरी का नरेशन करके दिखा दूंगा, ओके? पहला मैं एक बार पीआई के फॉर्म समझ लेते हैं कि पीआई के फॉर्म क्या होता है। नहीं आपने अगर अच्छा कर दिया तो ठीक है। देखिए पीआई क्यू कैसे भरना है, पीआई क्यू कैसे भरना है, हाउ टू फिल पीआई क्यू, हाउ टू फिल पीआई क्यू, ठीक है? ये मैं आप लोगों को तभी बता पाऊंगा जब आप मेरे को सैंपल्स भेजेंगे, जब आप मेरे को सैंपल्स भेजेंगे। आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है लिंक, इस वीडियो के लिंक के नीचे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक होगा, उसमें मैंने एक पीआईक्यू फॉर्म लिंक करा है, एक मैंने पीआईक्यू फॉर्म आपको लिंक दिया है, आपको उसको भरना है और मेरे को मेरे ईमेल आईडी pranavdatta1402@gmail.com पे सेंड करना है। आपको मेरे को ईमेल करना है आपको pranavdatta1402@gmail.com पे मेरे को भर के भेजना है और इसी क्लास में मंडे को लूंगा हाउ टू फिल अ पीआईक्यू फॉर्म, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगर क्लियर करना चाहते हैं एसएसबी तो पीआईक्यू आपका बहुत एक अच्छा दोस्त बन सकता है, ठीक है? लेकिन क्या करना है आपको, आपको कोई भी नेट से हेल्प नहीं लेनी, आपको जो मन में आए आपको वो भरना है, जो मन में आएगा आपको वो चीज भरनी है। कोई नेट से अगर आप हेल्प लेंगे तो उसका जो मेरा मोटिव है आपको पीआईक्यू भरवाने का वो खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी की वीडियो देख के भरेंगे तो वो आपके आंसर्स नहीं होंगे, वो किसी और के आंसर्स होंगे। अगर आप किसी के सेम फॉर्म को कॉपी कर देंगे तो मेरे को पता नहीं चल पाएगा कि आप में क्या कमी है और मेरे को आपको कैसे हेल्प करनी है, क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पे भी लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको खुद से भरना है। गलती होगी तो कोई नहीं उसको सुधार देंगे, अगर आप कुछ गलत भरेंगे तो मैं आपको बता के उसको सुधार दूंगा। आपको खुद से भरना है और किसी के साथ नहीं, ओके? आपको खुद से भरना है, किसी और के साथ नहीं भरना, ठीक है? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड करिए, पीडीएफ होगी उसको डाउनलोड करिए, उसको अगर आप चाहें तो भर के भेज सकते हैं, कैसे भी उसमें टाइप कर दीजिए या प्रिंट आउट निकलवा के लिख दीजिए, या आप मेरे को सीधा पीआईक्यू के जो आंसर्स हैं वो फॉर्म के साथ लिखते हैं कि कौन सी एंट्री नंबर है। जैसे आपको अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाते, लिखा है कि फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, जैसे आगे जाते हैं यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट है कि बैच नंबर क्या है, नंबर बदल सेशन, आप डायरेक्ट मेरे को वर्ड फॉर्मेट में लिख के भेज सकते हैं कि नंबर ऑफ बदल सेशन यस, ऊपर नाम लिखेंगे आप तब प्रणव, जैसे लिखा मैं प्रणव दत्ता में भेज रहा हूं अपने आप को तो मैं लिखूंगा प्रणव दत्ता, ठीक है? फिर आप लिखेंगे यस, ब्रदर्स सिस्टर्स कितने में लिखूंगा 2, ऐसे सारे आपको फॉर्म भरने हैं पूरा इस वर्ड फॉर्मेट में। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा कैसे भरना है, लेकिन मैं चाहता हूं सैटरडे संडे है आप इसको यूटिलाइज करें इस टाइम को। मैं भी समझाता हूं पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है, मैं चाहता हूं आप अपने ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज दीजिए और ऑनेस्टली इसको भरिए ताकि मैं ये एनालाइज कर पाऊं कि हाँ आप कहाँ रिलैक कर रहे हैं और कहाँ एक ग्रुप की तरह मेरे को आप लोगों को लेके चलना है पीआईक्यू भरवाने में। पहली बता दूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जैसे मैंने क्लियर करा था एसएसबी, जैसे मैंने पीआईक्यू फॉर्म भरा था, मैं उसी तरीके से आपको भी भरवा के क्लियर करवाना चाहूंगा, ओके? अब देखिए पीआईक्यू फॉर्म है क्या, पीआईक्यू फॉर्म एक तरीके का आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म है। इसमें आपके बारे में कुछ ऐसी निजी चीजें लिखी होती हैं जिनसे आपका इंटरव्यूअर बिना आपसे मिले आपके बारे में एक धारणा बना सकता है। नाम वाम के अलावा और भी बहुत चीजें लिखी होती है कि आपकी हॉबी क्या है, और आपके पीआईक्यू फॉर्म से ही इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पीआईक्यू फॉर्म भरना एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है, और कैसे भरना है ये भी सीखना एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे आपके पीआईक्यू फॉर्म को लेके ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने लिखा है कि मेरी हॉबी पीआई के फॉर्म में, अगर आपने लिखा है मेरी हॉबी क्रिकेट है, तो वो आपसे क्रिकेट के ऊपर 110% क्वेश्चन पूछेगा।
अगर आपने लिखा है कि मेरी हॉबी टू लिसन टू गुड म्यूजिक है, तो आपसे पूछेगा कि हाँ भैया क्या म्यूजिक सुन रहे हो एंड क्यों सुन रहे हो। आपके हॉबीज से लेके आपके एक्सपीरियंस से लेके आपके प्रीवियस एसएसबी एक्सपीरियंस से लेके हर चीज पीआई के फॉर्म में होते हैं। ये एक तरीके का आपका पेपर पे आपको रख देंगे, आप पेपर पे आप अपने आप को रख देंगे, और जो इंटरव्यूअर ऑफिसर होता है वो आपका एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो आपको उस जो पीआई के फॉर्म को भर के आपके बारे में एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर सकता है, और वो बिना इंटरव्यू लिए भी ये बता सकता है कि क्या ये बंदा आर्मी में आने के लिए ठीक है या नहीं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लिंक नहीं है तो ठीक है, मैं टीम को बोल दूंगा, वो लिंक डलवा देगी, ठीक है, वो लिंक डलवा देगी, उसकी आप चिंता मत करिए। नहीं होगा तो मैं लिंक डलवा दूंगा, थोड़ी देर बाद चेक कर लेना, मैं लिंक के लिए बोल दूंगा। अगर मेरे को कोई एडिटर सुन रहा है, मेरी टेक्निकल टीम सुन रही है, तो प्लीज जो आपको मैंने फॉर्म का लिंक भेजा था, आप उसे प्लीज डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दीजिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दीजिए, शायद से वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसकी आप चिंता मत करिए। वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया कि ये क्यों पीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ये पीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया? इफ यस तो प्लीज से यस सर, हमें समझ में आ गया कि पीआई क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज मेरे को बताइए कि हाँ पीआई क्यों इंपॉर्टेंट है। किस चीज का एसएसबी बारे में बात हो रही है जितेंद्र कुमार जी? सारे एसएसबी के बारे में बात हो रही है। अगर आपको समझ में आ गया कि पीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज टेल मी कि सर क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ जी जितेंद्र कुमार जी, एयरफोर्स के लिए। ओके पूजा पाटवा जी, मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया, वो आपको फॉर्म दे देंगे। मेरे को ये बताइए कि आपको पीआईक्यू की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, कि पीआईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये बताइए, तब मैं आगे चलता हूँ, फिर आपको पीआईक्यू का एक बार दर्शन करवाता हूँ। है ना, ये एक तरीके का आप अपनी छवि रख देंगे एक कागज के टुकड़े पे, वो एक कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा, वो कागज के फॉर्म में चलता फिरता आप है। बता तो दिए जितेंद्र कुमार जी, एएफएसबी एसएसबी सबके बारे में आपका है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ओके संतोष तिवारी, इंडिया ऑफिसर जी, कोई नहीं, अभी लिंक आपको मिल जाएगी, अभी मत देखिए, वीडियो के बाद देख लेना लिंक। ओके वीडियो के बाद देख लेना। ओके ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, पहली बात कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं। आपकी हैंडराइटिंग लेजेबल होनी चाहिए, मतलब पढ़ने वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं लिखना आपको कि ऐसे बिल्कुल जैसे डॉक्टर की हैंडराइटिंग लिखनी, नॉर्मल आराम से। मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने पीआई को करने में आधा घंटा लिया था। आराम से लिखना है, गैप ले लेके, प्रणव दत्ता, ऐसे नहीं लिखना। डॉक्टर के हैंडराइटिंग नहीं है आपका, डॉक्टर एग्जाम नहीं, आपका पीआईक्यू है। वो एटलीस्ट आपको पढ़ पाए, वो आपको समझ, वो उसको पढ़ के समझ पाए कि आपने लिखा क्या है। अगर उसे समझ में नहीं आएगा तो वो क्या लिखेगा, ठीक है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स याद होनी चाहिए कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है, क्योंकि उस पीआई के फॉर्म पे एक आपका वाइटनर का दब्बा या एक कट इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि हाँ इसके थॉट प्रोसेस, इसके दिमाग में चीजें ठीक से नहीं चलती, ये बहुत ही असमंजस में रहता है, ही हैज यू नो लो क्लैरिटी ऑफ थॉट, इसके थॉट इसके कंट्रोल में नहीं है, और बहुत ही डरा हुआ रहता है। ओके अगला, आपको सब कुछ ट्रू लिखना है, आपको सब कुछ सच लिखना है, कुछ भी झूठ नहीं लिखना, क्योंकि इंटरव्यू और साइकोलॉजिस्ट 2 मिनट में समझ लेगा कि हाँ आपने झूठ लगा है। आप लिख दे क्रिकेट, आप लिख दे क्रिकेट मेरी हॉबी है और आपने जिंदगी में बैट नहीं उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन रटे हैं, तो इंटरव्यू समझ लेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके आंसर से कि हाँ क्रिकेट इसने कुछ खेला नहीं है। दूसरी चीज, आपने जो डिटेल्स दी है पहले वाले फॉर्म में जिसमें आपने एसएसबी भरा है और इस वाले फॉर्म में मिस मैच होनी चाहिए, सारा मैचिंग होना चाहिए। आपको हॉबीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं क्रिकेट लिखता हूं तो स्टंप्स की हाइट कितनी है, ऑल इन्फो होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन। अगर मैं स्टंप्स लिखता हूं तो स्टंप की हाइट कितनी है, बैट कितना वेट का होना चाहिए, आप कितने वेट के बैट से खेलते हैं, और क्या कहते हैं कि बॉल की विड्थ कितनी होती है, और पिच की लेंथ कितनी होती है, बाउंड्रीज कितना होता है, टेस्ट मैच क्या होता है, वनडे कितना होता है, आपको ये सारे बेसिक बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। सर दो इतने लोग पीआईक्यू भरते हैं लेकिन इतने लोगों को सिलेक्शन, कीर्ति कुमार जी सारे आपके पीआईक्यू नहीं भरते, जो आपका ओआईआर और आपका पीपीडीटी क्लियर कर लेता है, जो आपका ये क्लियर कर लेगा
उसे ही मौका दिया जाएगा स्क्रीन इन होके आपका पीआईक्यू भरने का। सारे पीआईक्यू नहीं भरते, जो आपका ये क्लियर करके जो इससे बाहर होगा वो तो स्क्रीन आउट होगा, उसमें पीआईक्यू भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके स्क्रीन आउट होके पीआईक्यू भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, पीआईक्यू वही भरेगा जो आपका स्क्रीन इन होके आगे स्टेज में जाएगा। यस, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप ये चलते फिरते कागज का टुकड़ा बन जाते हैं एक इंटरव्यूअर के सामने। एसएसबी की जॉब प्रोफाइल कैसे होती है? ये एसएसबी की जॉब नहीं, आप एसएसबी क्लियर करके आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाते हैं एसएसबी क्लियर करके। ये एसएसबी एक तरीके का टेस्ट है, एसएसबी इज अ टेस्ट। कीर्ति जी, मैं आपको एक कहूंगा, आप जाके मेरा पहले दिन का लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा कि एसएसबी होता क्या है। एसएसबी एक तरीके का आपका टेस्ट है, ये सिलेक्शन टेस्ट है आपका एसएसबी। आप मेरा पहले दिन का प्लीज जाके देखिए कि हाँ क्या होता है एसएसबी। आप जाके अगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या एक्चुअल में एसएसबी होता है, तो प्लीज आप उसको जाके देखिए। ठीक है, थैंक यू कीर्ति जी, आप पहले उसको देखना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या एसएसबी होता है। ओके, आपको पहले वो देखना फिर आपको सब समझ आ जाएगा कि हाँ एसएसबी एक्चुअली में है क्या, क्योंकि एसएसबी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपका पूरा कैरेक्टर मान लग देता है। हाँ जी शुभम गौरांशी, पीपीडीटी ओआईआर के बाद आपका पीआईक्यू होता है, जब आपको शाम को बिठा लेते हैं अपने पास, जब आप रुक जाते हैं। सर मुझे एमपी पटवारी का एग्जाम क्लियर करना है। अच्छा, तो उसके लिए भी क्लासेस चलती है वाईफाई सेटिंग में, कुछ नहीं। दूसरी जो हॉबीज के बाद आपको पता होना चाहिए, नो कटिंग, जैसे मैंने बताया नो कटिंग मतलब पता चल जाएगा जो आपको वो है इंटरव्यूअर की, भैया इसका तो ठीक है ही नहीं कुछ भी, कोई सब्जेक्ट नहीं होते बनना जी। आप पहले दिन का लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। एसएसबी नहीं, उसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है, वो अलग होता है, उसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है। ठीक है, और आपका ओआईक्यू यूनिक होना चाहिए, मतलब किसी से चेपावा नहीं होना चाहिए। आप यूनिक है, आप दुनिया में इकलौते अपने जैसे हैं, आपका जैसा कोई नहीं और ना कभी होगा। आप यूनिक है, इसलिए आपका पीआईक्यू भी यूनिक होना चाहिए। जहां आपने किसी से मैचिंग करने की कोशिश करी, जहां आपने किसी से चेपने की कोशिश करी, कॉपी करने की कोशिश करी, इंटरव्यूअर समझ लेगा, परख लेगा और कहेगा ये तो अपने सिर्फ अच्छे पॉइंट बता रहा है, इसमें दुखद पॉइंट कोई नहीं बता रहा, इसलिए मैं इसको कैसे समझूं। और अगर आप पहले कभी एसएसबी में जा चुके हैं तो अपने टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट जरूर ठीक से लिखे। ओके, सौरभ आद्या जी, अगर आपने पहले एनडीए दे दिया और आप फिर ग्रेजुएट हो जाते तो फिर मेरे ख्याल से तो आपको खुद ही नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, आई वॉन्ट टू नो इफ आई कम्प्लीट माई ग्रेजुएशन ऑलरेडी। आप एनडीए में ग्रेजुएशन के बाद हो ही नहीं सकते, एनडीए की तो एज लिमिट होती है 19.5 साल, एनडीए की एज लिमिट होती है आपकी 19.5 साल, 19.5 ईयर्स तक आप एनडीए दे सकते हैं। ओके, आप 19.5 ईयर्स तक एनडीए दे सकते हैं, तो आप इतने में ग्रेजुएशन कैसे कम्प्लीट कर लेंगे, अनलेस एंड अंटिल आपने स्कूलिंग बहुत पहले से शुरू कर दिया। सर आपका पहले दिन का लेक्चर कहाँ मिलेगा? जितेंद्र कुमार जी, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख लीजिए। आपको करना क्या मैं बताता हूं, आप जाएंगे वाईफाई सिटी चैनल पे, आप सर्च करेंगे एसएसबी प्रणव, आप वाईफाई सिटी चैनल पे जाके एसएसबी प्रणव सर सर्च करेंगे वाईफाई सिटी ऐसे यूट्यूब पे, तो आपके सामने 3 वीडियो आएंगी, एक day 1 की, एक day 2 की और एक day 3 की। और मैं एडिटर्स अगर मेरे को सुन रहे हैं तो मैं वैसे उनको बोल भी दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट इंटरव्यूज में पिन कर देंगे, जो कमेंट होता है उसमें पिन कर देंगे, फिर आप वहां से देख सकते हैं। आदित्य यादव पूछ रहे हैं, सर इफ माई हॉबी इज ड्राइविंग तो मेरा क्या होना चाहिए? सर मैं फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है क्या? नहीं, एसएसबी में फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता, बस आपके बाल स्पाइकिंग होने चाहिए, दाढ़ी ट्रिम होनी चाहिए, ठीक है, शर्ट अंदर होनी चाहिए, पैंट्स के अंदर होनी चाहिए, शूज नीटली पॉलिश होने चाहिए, आप एक जेंटलमैन की तरह रखने चाहिए। ओके, हाँ अगर फेक लेगा तो इंटरव्यूअर पकड़ लेता है। और हाँ, ये एक असली आपका प्रोसेस चल रहा है, ये आपका एक असली प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे एक असली प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, नहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा।
गुरजन सिंह जी उसके ऊपर मेरे को एक अलग से लेकर आना पड़ेगा, लेकिन इंटरव्यू का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। इंटरव्यू कैसे होगी, उसमें भी आपसे एक पीआईक्यू भरवाते हैं, तो इंटरव्यू ऑलमोस्ट सेम होगी। एनडीए में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए तो आपके पास अगर साइंस है तो आप टीएस एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपके पास साइंस है रोहित भट्ट की, तो आप बिना रिटर्न पेपर दिए आप टीएस के थ्रू जा सकते हैं। टीएस आपकी होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसमें आप अगर आपके पास पीसीएम है, उसमें अगर आपके पास पीसीएम है तो आपके 70% अबव अगर है, अगर 70% अबव अगर है तो फिर एक आप एलिजिबल होते हैं। फिर आपकी एक कट ऑफ निकलती है, अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आप डायरेक्ट एसएसबी में जा सकते हैं, फिर आपको रिटर्न पेपर नहीं देना। ओके, एफकैट एसएसबी कब होगा जी, आपका एक कोरोना के बाद ही पता चलेगा उसके में। आदित्य यादव, अच्छा आपके क्वेश्चन के बारे में, अगर आपकी ड्राइविंग, अच्छा अजीत यादव कहते हैं, अजीत यादव की सब ड्राइविंग इसमें हॉबी, अगर ड्राइविंग आपकी हॉबी आपके पता होना चाहिए कि हाँ मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि हाँ जो आप कार चलाते हैं उसमें फ्यूल टैंक कितना लीटर का है और उसकी माइलेज कितनी है। फिर आपको तीसरा याद होना चाहिए कि आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। चौथा ये याद होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होती है और आपका जो कार है वो किस मॉडल की और किस मेक की है, किसने उसे बनाया। What type of attitude? कोई attitude maintain नहीं करना, you have to be natural. आपको natural होने चाहिए। ये repeat करना ठीक है। अगर आपका PCM है, you have got physics, chemistry, maths in class 12th, और आपके इन तीनों में मिला के नंबर आपके 70% above है, तो आप eligible हो जाते हैं। आप form भरेंगे, form भरने के बाद फिर वो देखेंगे कितने लोगों ने form भरा है, फिर आपकी एक निकलेगी कट ऑफ, आपकी कट ऑफ निकलेगी। अगर आपने उस कट ऑफ को क्लियर करा और आपके पास अगर पीसीएम है तो आपको डायरेक्ट एसएसबी देने बुलाया जाता है, और फिर आप उस एंट्री का नाम होता है कि आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम। मेरा टीएस 32 था जिसका मैंने पहली बार एसएसबी क्लियर करा था, टीएस 32। पीजीटी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होती। सोलमनी मारनी जी, आपकी एज लिमिट अगर 25, अगर आपकी 25 है तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीडीएस का फॉर्म भरिए, मेरा सेशन देखिए, अपने पे विश्वास रखिए, मेरा प्रैक्टिस करिए और आप अच्छे से कर लेंगे। सर टेक 55 एसएसबी कब होगा, ये कोरोना के बाद खोलने के बाद पता चलेगा, जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसका पता चलेगा कब कब होगा। एनसीसी से आपको ना एक अलग से कोटा मिलता है जिससे आप जा सकते हैं, एनसीसी से आपको एक कोटा मिलता है, तो आप उसमें ना फॉर्म में, चलिए एक बार पीआई के फॉर्म में आपको दिखाई देता हूं, जो नीचे आपको मैंने पीआई के फॉर्म दिया है वो बिल्कुल ऐसा ही है, हूबहू बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें टोटल आपके 14 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऐसा ही है वो पीआई का फॉर्म, बिल्कुल ऐसा है, कुछ चेंज नहीं है। पहला आपका होगा ऊपर उसमें कि नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, योर रैंकिंग मतलब आप कितने नंबर के बड़े भाई बहन हो, जैसे मैं फर्स्ट नंबर का हूं। आदित्य यादव जी थैंक यू, अगर आप सल्यूट है आपको, अगर आप एक सर्विंग ऑफिसर है सल्यूट है आपको, सल्यूट। चल रहा है या खत्म हो गया, ये डिफरेंस है उसमें, आप ये बताइए सौरभ उपाध्याय जी, चल रहा है या खत्म हो गया उसमें डिफरेंस है। अगर चल रहा है और आप फर्स्ट ईयर में, तो 19.5 साल के ही होंगे तो हाँ तब आप जा सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन खत्म हो गया तब तो 22 साल के होंगे। एक अगर नॉर्मल पर्सन, अगर आपकी 18 में स्कूलिंग खत्म हुई, 22 में ग्रेजुएशन, तब आप नॉर्मल होंगे, तो फिर आप नहीं जा सकते एनडीए के थ्रू, क्योंकि एनडीए के आप एज लिमिट क्लियर कर जाएंगे। हाँ तो आप एनसीसी वाले में भी जा सकते हैं, मेरे बहुत तरीके होते हैं। अब आप कोई नहीं बोलेगा, पहले आप मेरे से पीआई को समझिए, फिर आपको एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन और सिबलिंग भरना है कितना होता है, आपको ओआईआर भरना है, आपको एक नंबर दिया जाएगा वो भरना है, फिर आपको सिलेक्शन बोर्ड और प्लेस क्या है वो आपको नंबर बताएंगे और प्लेस बताएंगे वो भरना है, बैच नंबर वो बताएंगे, चेस्ट नंबर वो बताएंगे, और यूपीएससी का रोल नंबर अगर आप एनडीए सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं वो बताएंगे। ये आपको, सॉरी ये वाला आपको नहीं भरना, ये वाला जो आपका इंटरव्यू होगा वो भरेगा। ओआईआर की रैंक होती है 1, 2, 3 रैंक होती है आपकी ओआईआर की, OIR की आपकी रैंक होती है 1, 2, 3, आपको उसके बेसिस पे बनना है। फिर आप भरेंगे अपना नेम इन कैपिटल लेटर्स, फिर आप भरेंगे अपना फादर्स नेम, फिर आप भरेंगे आपकी मैक्सिमम रेडियंस मतलब सबसे ज्यादा बार आप कहाँ रहे हैं, फिर आप भरेंगे अभी का आपका पता कौन सा है, और आप भरेंगे जो आपका परमानेंट पता जहां पे आपको हमेशा पाया जा सकता है, फिर आप भरेंगे अपनी स्टेट रीजन, क्या आपका रिलीजन है, आप SC ST हैं तो वो भरेंगे, मदर टंग क्या है, मेरी हिंदी थी वो भरा मैंने, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप मैरिड हैं सिंगल हैं या विडोर हैं, आप वो भरेंगे। हाँ जी, आपके अगर डायरी राइटिंग आपका हॉबी है तो जरूर हो सकते हैं कि आप डायरी राइटिंग क्यों करते हैं, आप बताइए कि आप उसमें क्या क्या लिखते हैं।
सर इंडिया में अगर सबसे अच्छे हो नंबर आए तो हमें कौन सी फोर्स में भेजने का, एयरफोर्स नेवी आर्मी, वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके नंबर इतने अच्छे आएंगे जो आप बोलेंगे आपको वो फोर्स मिल जाएगी। आगे आते हैं फिर आप बोलेंगे आपके पेरेंट्स अलाइव है या नहीं, इफ यस तो यस, इफ नहीं तो नहीं। इफ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ फादर्स मदर डेथ, ठीक है, अगर आपके फादर मदर का बाय चांस देहांत हो गया तो क्या, फिर आप लिखेंगे आपके गार्डियन का नाम क्या अगर एप्लीकेबल, फिर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स की एजुकेशन क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जो गार्डियन और आपकी इनकम क्या है, फादर मदर गार्डियन जिसका नाम लिखा है उसका लिखेंगे और उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि आपने क्या क्या कर लिया, कि 10+2 कहां से पास करा, मैट्रिक 10th, 10+2, बीए, बीकॉम, बीकॉम एक्सेट्रा, प्रोफेशनल, ईयर लिखेंगे इसमें, डिवीजन या मार्क्स, मीडियम इंग्लिश हिंदी कौन सा, बोर्ड या डे स्कॉलर, बोर्ड का मतलब होता है वहां पे रहते थे, डे स्कॉलर का मतलब होता है स्कूल जाते थे फिर घर चले जाते थे, ओके। हाँ जी अभी मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, कोई नहीं चुप, बस आराम से। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, क्या आपने 10th लेवल तक कुछ, अगर स्टेट लेवल, नेशनल में, स्कूल लेवल पे कुछ जीता, 12th में, कॉलेज में या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आपने कुछ जीता। अगला आएगा आपका कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना आपको लिखना है, ये पता होना चाहिए, आप नपा के जाएंगे। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल इनकम इफ एनी, आपकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, पर्सनल इनकम में फिर डैश लगा देंगे, काम कर रहे हैं फिर उसके बाद जा रहे हैं लिखेंगे। एनसीसी ट्रेनिंग लिया नहीं, देखिए जो लोग एनसीसी का पूछ रहे थे उनको बता दो, देखिए एनसीसी का ज्यादा होता है, आपने अगर एनसीसी लिया तो आप देखेंगे यहाँ टोटल ट्रेनिंग कितनी लिया है, विंग कितना है जो एनसीसी वाले उनको पता होगा, डिवीजन पता होगा और आपका सर्टिफिकेट पता होगा। फिर आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल, जो भी आप लिखेंगे, पीरियड ऑफ पार्टिसिपेशन कब से कब तक करा, रिप्रेजेंटेड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप ये लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, अगर आपने प्राइज जीता हो कुछ। जूम करूं, अच्छा ठीक है मैं 2 मिनट जूम करता हूं, पहले एक बार मैं आपको समझा दूं हाउ टू, अरे आपको यूनिक डेवलप, आपके यूनिक हॉबी डेवलप ही नहीं करनी सौरभ उपाध्याय जी, आपको यूनिक हॉबी डेवलप ही नहीं करनी, आपको अपनी हॉबी को पहचानना है बस। और रिजवान आपका, रिक्शा शर्मा जी आपकी हॉबी आपको क्या करनी चाहिए, क्रिकेट में पूछ सकते हैं सर पिच की लेंथ कितनी होती है, बेल्स की हाइट कितनी होती है और स्टंप्स की हाइट कितनी होती है, बैट कितना वेट का होना चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर चेंज हुए हैं अभी के, आपको ये सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए। हाँ जी मैं आपको जूम कर रहा हूँ 2 मिनट, पहले मैं एक बार बता दूँ, फिर आपको होगा कि हाँ हॉबीज और इंटरेस्ट का यहाँ पे लिखना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट करो, यहाँ पे आप एक्टिविटी लिखेंगे क्या था, पार्टिसिपेट कब करा था और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, जैसे आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं तो आपने पेंटिंग में कुछ कराओ, फिर आपका एनसीसी स्काउटिंग में अगर आपने कुछ कराओ और स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ एक्स्ट्रा कराओ, फिर कमीशन क्या है आपकी, कौन सी नेचर है आपका, परमानेंट कमीशन है या आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो लिखेंगे आप, चॉइस ऑफ सर्विस क्या है आपकी वो लिखेंगे आप, नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल थ्री सर्विसेज, मतलब अभी तक कितनी एसएसबी दी है, जैसे मैं क्या भरूंगा इसमें 5, मेरा क्या था परमानेंट कमीशन और मेरा क्या था आर्मी, फिर क्या था डिटेल्स ऑफ द लास्ट इंटरव्यू अगर आपको याद है या नहीं, और वो फिर आप यहां भरेंगे, अगर याद नहीं है तब भी आप उनसे पूछेंगे तो आपको वे थ्रू बता देंगे क्या करना है। यस रिजवान अंसारी जी, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको यहां भरना है कि प्रेजेंट एंड प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली सैलरी आपको यहां भरना है, क्यों नहीं लिखेंगे, कोई झूठ नहीं बोलना। नहीं आप इसको हॉबी बना सकते हैं, दैट आई कैन प्ले लाइक देन दैट आई कैन यू नो क्या बोलते हैं उसे, दैट आई कैन विसल एंड मेक नॉइज लाइक अ सॉन्ग, कि मैं एक सॉन्ग की तरह आपकी सीटी बजा सकता हूं, आप इसको एक हॉबी बना सकते हैं, वेरी यूनिक हॉबी एंड अ वेरी गुड हॉबी। जितेंद्र कुमार जी अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो बस अपनी कमर कस लीजिए और इन सेशन को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सौरभ वैद्य जी बहुत सेंटर्स आपके बैंगलोर में है, अलाहाबाद में है और आपका आई थिंक आपका कोचिन में, तो आपका वो आ जाता है AFSB, कोयम्बटोर में भी है, देहरादून में भी है आपका AFSB, बहुत सेंटर्स है, ऐसा नहीं याद है मेरे को, बहुत सेंटर्स है। सी सर्टिफिकेट ए और बी ग्रेडिंग से रहेगा तब आप एलिजिबल होंगे। सी सर्टिफिकेट जी पीयूष कुमार सिंह जी, ये आपको जो आपकी चॉइस ऑफ वो है ना एंट्री, उसकी जो नोटिफिकेशन आती है उसमें अलग अलग होता है, हर किसी ने अलग अलग होता है, आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो के खत्म होने के बाद आपको लिंक में फॉर्म मिल जाएगा, आपको उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और मेरे को फिल करके प्रणव @gmail.com पे फिल करके भेजना है,
आई होप टू गेट अराउंड 10-12 एंट्रीज एटलीस्ट। मैं चाहता हूं मेरे पास 10 से 12 एंट्री आ जाए, मैं चाहता हूं मेरे पास एटलीस्ट 10 से 12 एंट्री आ जाए जिससे मैं अच्छे से कर पाऊं। सर क्लास 12 पे मैं स्टेट लेवल क्विज में गया हूं। अरे क्यों नहीं लिखोगे? अगर आप स्टेट लेवल क्विज में गए तो आप जरूर लिखोगे कि हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कि मैं क्विजिंग कॉम्पिटिशन पे गया था, मैं स्टेट लेवल पे गया हूं, तो पक्का लिखोगे। यही तो मैं कह रहा हूं, आप गलतियां करो तो मैं ही तो आपको तभी तो बताऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के बाद, नहीं होगा तो मैं डलवा दूंगा, थोड़ी देर बाद चेक करना। pranadatta1402@gmail.com पे मेरे को लिख के भेजिए तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, मैं आपको ये बता पाऊंगा कि हाँ आप कैसे फिल कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते पीआई को फॉर्म। ओके वॉइस नहीं आ रही? नहीं वॉइस आ रही है मिस्टर ऑनेस्ट, वॉइस आ रही है बिल्कुल। ओके तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपका आज का होमवर्क क्या है? पहली बात, पहली चीज बता दूं, जिन्होंने पीपीडीटी स्टोरी नहीं लिखी वो कल का लेक्चर में जाएंगे, जिन्होंने पीपीडीटी की स्टोरी नहीं लिखी वो कल के सेक्शन में जाएंगे और कल के लेक्चर को देखेंगे और पीपीडीटी स्टोरी उसी वीडियो के कमेंट्स में लिख के मेरे को भेजेंगे। मैंने 3 बच्चों की स्टोरीज बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैंने उन पे कमेंट करके उन्हें करेक्ट भी करा है। अगला जो आज के बच्चे हैं उन्हें फैक्टर 2 के ऊपर, जो आपके OLQ होते हैं फैक्टर 2 के, उनके ऊपर एक स्टोरी लिख के मेरे को आज के कमेंट्स में लिख के देनी है। आज के कमेंट्स में मेरे को लिख के देनी है वो एक ऐसी स्टोरी जो आपके तीनों फैक्टर 2 को दर्शाते हैं। और तीसरा चीज सबके लिए, जो आज के लेक्चर देख रहे हैं, पहले का सैटरडे संडे है, पहले के लेक्चर्स देख डालिए और समझ डालिए। आपको क्या करना है, पीआई के फॉर्म फिल करके मेरे को भेजना है, पीआई के फॉर्म फिल करके मेरे को भेजिए। ओके हाँ जी, एनसीसी एंट्री में भी, अरे मैं बताता रहा हूं हर चीज में, आर्म फोर्सेस में एसएसबी जहां होगी एफएसबी जहां होगी प्रोसेस सेम रहेगा। नहीं एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर नहीं, वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बस फॉर्म फिल करके भेजिए और एसएसबी का हर जगह जहां होगा आपको यही प्रोसेस मिलेगा, यही प्रोसेस एफएसबी हो या आपका एसएसबी हो। तो ओके आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसको लाइक करना है, शेयर करना और मैक्सिमम लोगों के साथ सब्सक्राइब करना है और हेटर्स को बिल्कुल भी भाव नहीं देना। आप यहाँ पे आर्मी के लिए पढ़ने आ रहे हैं और जो गाली गलौज करता है, जो गलत गलत कमेंट करता है, आपको क्या करना है, उन्हें इग्नोर करना है क्योंकि वो आर्मी में नहीं जा सकता। अगर आप किसी को भी गलत गलत बोलोगे आपको उन्हें इग्नोर करना है बिल्कुल, आपको अपना ध्यान बिल्कुल अपनी ड्रीम अपना लक्ष्य आर्मी की ओर रखना है। ओके तो मैं यही भगवान से दुआ करूंगा कि आप सबकी जल्दी एंट्री हो और आप सब मेरे को जल्दी खुशखबरी दें। मैं कोई महान आदमी नहीं हूं जो आपको ये बता सकूं कि हाँ एसएसबी में यही करेंगे तो यही क्लियर। मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू एटलीस्ट आपको ये मेक श्योर कर सकता हूं कि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने गलती करी थी। मैंने कुछ गलती करी होगी तभी आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आर्म फोर्स में नहीं हूं, लेकिन बट आई एम स्टिल हैप्पी क्योंकि मेरे को लग रहा है चलिए मैं नहीं तो एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंसेस थ्रू आपको भेज सकता हूं आर्म फोर्सेस में हेल्प करने के लिए, आपको आर्म फोर्सेस में भेज सकता हूं। तो मेरी भगवान से यही दुआ है कि जो बच्चा मेरे को देखता है वो सक्सीड हो अपने ड्रीम में। इस चैनल को इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल को भी जरूर 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 सब्सक्राइब करें। वहां आपको हर तरीके की क्लासेस मिलेंगी, सीडीएस की क्लास चल रही है, एफकैट की बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, डीआरडीओ चल रहा है, एनडीए का क्रैश कोर्स ऑन है और एक्स एंड वाई ग्रुप का भी क्रैश कोर्स ऑन है। तो जल्दी इसे शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों को देखिए और जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी मैं बोल के आपको इसका बाकी की वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डलवा दूंगा, आपको नीचे बता दूंगा कि हाँ कितनी वीडियोस हैं कितनी नहीं। और दूसरी चीज मैं फॉर्म का लिंक बहुत जल्दी करवा रहा हूँ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, हैव अ हैप्पी वीकेंड, अच्छे से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, कहीं बाहर मत जाइए और बस अपने आप को एक जवाब ऑफिसर की तरह बना के रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद गाइस, सैल्यूट टू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके बाय बाय गाइस।